हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और सुनाइए, मैं क्या करने वाली हूँ आज? आपको मैं कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग मेकअप करने वाली हूँ आपके साथ। और आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हो। और आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? मैं कॉलेज गोइंग, ऑफिस और दोनों तरह का मेकअप कर रही हूँ। स्वेट प्रूफ मेकअप कर रही हूँ, मैं किया है मैंने। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको पसंद आए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सिंपल से ही कान के डाली हूँ, क्योंकि ऑफिस में और कॉलेज में क्या अच्छा अच्छा कभी कभार अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा नहीं अच्छा लगता है। कॉलेज में सिंपल से ही जाइए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए देख लीजिए इससे ये मेकअप लुक मैंने कैसे किया है। बस बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं इसमें, NYV का ही इस्तेमाल किया है मैंने ज़्यादातर। तो थ्री प्रोडक्ट मैंने NYV के इस्तेमाल किए हैं, और उसके बाद मैंने सब अपने लिप कलर के लिए, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करती हूँ मैं। जितने भी मेकअप करती हूँ तो सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ ही करती हूँ। चलिए देख लीजिए आपको, अगर ये अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले प्राइमर लगाऊंगी, और प्राइमर से अपने सारे जो ओपन पोर्स हों वो गायब कर दूंगी, सब ढक जाएंगे उससे ओपन पोर्स। मेरे ओपन पोर्स नहीं है इतने, लेकिन फिर भी मैं प्राइमर लगाऊंगी, क्योंकि जो भी मैं केमिकल्स प्रोडक्ट हैं जो, तो फाउंडेशन वगैरह में उनमें केमिकल्स तो होता ही है, और आपकी स्किन को हार्म ना पहुंचाए इसलिए मैं प्राइमर पहले लगाती हूँ। सभी लोग इसीलिए लगाते हैं, तो मैं NYV का प्राइमर लगा रही हूँ। मैं CTM कर चुकी हूँ पहले, मेरे और वीडियोज़ में आप देख सकते हो कि मैं CTM किस तरह करती हूँ। तो मैं सीधा डायरेक्ट प्राइमर लगाऊंगी, प्राइमर के बाद फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे। बस थोड़ा ही ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेना है मुझे। मेरा फेस एकदम से साफ ही है, कुछ और नहीं एक्स्ट्रा मुझे करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि मेरा फेस कितना शाइनी हो रखा है, क्योंकि मैंने अभी गोल्ड फेशियल किया था, और उसके बाद आप खुद भी देख सकते हो कि मेरा फेस कितना शाइनी और ग्लोई है, और ड्राई भी नहीं है मेरा फेस। और अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, ये NYV का फाउंडेशन है, मेरा शेड है 4, शेड नंबर ही आप याद रख लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, 4 है ये, क्योंकि जो लिखा हुआ रहता है, नाम रहते हैं वो तो भूल जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के नंबर्स होते हैं इनके फाउंडेशन वगैरह के, वो याद रहते हैं। अगर मेरे स्किन टोन जैसा आपको तो स्किन टोन है, तो आपको ये 4 नंबर सूट कर जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, अफोर्डेबल भी है, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत ही अच्छा है ये। तो ये फाउंडेशन वेरी नाइस, तो मैं इसको ले लेती हूँ, अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। स्वेट प्रूफ मेकअप हो रहा है ये, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो उन लोगों को, या फिर ऑफिस को गोइंग हैं तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये। तो मैं NYV का फाउंडेशन ले रही हूँ, थोड़ा ही लेती हूँ पहले, फिर जरूरत पड़ेगी तो डाल लूँगी। और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मैंने अभी इसका रिव्यू नहीं किया है, तो मैं इसका रिव्यू कर दूंगी। तो इसी तरह से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। ये दिख जरूर रहा है थोड़ा वाइट वाइट सा, लेकिन ये वाइट नहीं है, ये मेरे बिल्कुल स्किन टोन से मैच करता हुआ है। तो मैं ये अच्छे से मिक्स करके, तो फ्रेंड्स मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, NYV का फाउंडेशन मैंने लगाया है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इससे आपको पूरी फुल कवरेज मिल जाए। अगर आपके बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो आप 2 लेयर लगा सकते हो बस, मेरे तो लेकिन ठीक है, मुझे इतना ही कवर करना है, क्योंकि कॉलेज और ऑफिस गोइंग के लिए इतना ही ठीक है, ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि डे लुक में इतना ज़्यादा मेकअप करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो सिंपल और अच्छा होना चाहिए,
मेकअप भी हो और लगे भी ना कि मेकअप किया है। तो मैं फाउंडेशन ले रही हूँ मैं NYV का, ये 50 SPF है, तो ये हमारे डे के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ऑफिस को कॉलेज को जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे फेस आपका, और आप इसको नेक पर भी लगा लीजिए, अपने ईयर्स पर भी लगाइए, हर जगह आपको अच्छे से लगा लेना है इसको। मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बस जितना ये देखो, जब बस सिर्फ स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, स्वेटिंग होगी तो फेस अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ उतना ही लगाती हूँ। उसके बाद मैं आईब्रो पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ आईब्रोज के लिए। देखिए मेरी आईब्रोज बहुत ही कम है, मुझे इतनी आईब्रोज नहीं है, तो फिर भी मैं इसलिए मैं आईब्रोज का पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ, और ये है ADS की आईब्रो पेंसिल, और ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा कलर आ जाता है इससे, अच्छे से हो जाता है। तो मैं आईब्रो पेंसिल फिल करके आती हूँ, अपनी आईब्रो कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आईब्रो फिल कर ली है अपनी, और मैं एक ब्रश लूँगी, आईब्रो सेट कर लूँगी। ये मैंने ब्रशेस मंगाए थे अमेजोन से मंगाए हैं, मैं इसका करने वाली हूँ रिव्यू, बहुत जल्दी करूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से, और जहाँ जहाँ ज़्यादा होता है तो वो सेट भी अच्छे से हो जाता है, और बहुत ही अच्छा है ये। अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हो कि अच्छा सा सेट मिल जाए जो कि अफोर्डेबल भी हो, तो ये बहुत ही बेस्ट है, तो आप लोग इसको खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। तो मैंने आईब्रो फिल कर ली है अपनी, और अब मैं काजल अप्लाई करूँगी। बहुत ही बेसिक सा मेकअप है, हल्का ही मेकअप करना चाहिए, डे लुक है तो डे में अब मैं हल्की हल्की मैं जो आई लिड होता है ऊपर से थोड़ा सा आई शेडो लगा लेती हूँ, हल्का हल्का, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ सिंपल हल्का हल्का ही लगाऊंगी, और मैं पेंसिल से ही लगा ले रही हूँ, पेंसिल का जो कलर होता है हल्का हल्का ही लगाना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि कॉलेज और ऑफिस गोइंग के लिए है, तो इतना ही मेकअप बहुत अच्छा होता है, एकदम फेस को वाइट और ज़्यादा नहीं कवर करना है, सिंपल लुक भी होना चाहिए और मेकअप भी हो इस तरह का, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत ही हल्का लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया, और अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए इसको। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर, और मैं लगा रही हूँ आईलाइनर ब्लू हेवन का, ब्लू हेवन का आईलाइनर लगा लूंगी मैं, हल्की सी विंग्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालना है मुझे, तो मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हल्की, बहुत ही पतला मैंने लगाया है, देखिए दिख भी रहा है और बहुत ही कम है। इससे मैं दूसरी पे भी लगा लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने आईलाइनर लगा लिया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। अब मैं लगाऊंगी काजल, मैं काजल ले रही हूँ लैकमे आइकॉनिक काजल है ये मैं आइकॉनिक काजल ले रही हूँ लैकमे का, तो मैं वही लगा लेती हूँ। काजल भी आपको ज़्यादा फैलाकर नहीं लगाना है, क्योंकि स्वेटिंग तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मेकअप नहीं कर रखा है, स्वेटिंग नहीं। अगर आप अपने पर्स में एक कॉम्पैक्ट रखना ही है आपको, आप बाहर जा रहे हो और समर्स का टाइम है तो ज़रूर कॉम्पैक्ट वगैरह रख लीजिए। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, अगर मेरे फेस से या किसी चीज़ से आपको
अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, डल सा लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं एक लिप बाम लगा ले रही हूँ, गुड वाइब्स का लिप बाम लगाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं लिप्स। और मैं मस्कारा लगा ले रही हूँ, अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने मस्कारा लगा लिया है, ब्लू हेवन का ही मस्कारा मैं लगाई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आप किस तरह मेकअप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ये सब मैं बताने वाली थी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और अब मैं लिप पर बहुत ही हल्का सा कलर लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा डार्क नहीं अच्छा लगता है डे में। सिंपल जाना है ऑफिस, तो फिर ऑफिस और कॉलेज के लिए सिंपल लुक ही बेस्ट रहता है। तो चलिए मैं एक कोई लिप कलर ले लेती हूँ हल्का सा, और मैं पेंसिल ले रही हूँ ये। स्विस पता नहीं किसकी है ये, इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी पेंसिल है ये, बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है इससे। तो मैं जो मैंने लिप बाम लगाया था वो मैं हटा लेती हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी। मैं ब्लश वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऑफिस में और कॉलेज में इस तरह का लुक अच्छा नहीं लगता है मेरे हिसाब से। अगर आपको पसंद है तो आप लगा लीजिए। देखिए बहुत ही हल्का सा मैंने लगाया है कलर, और मैं एक लिप कलर ले रही हूँ लैक्मे का, और इसका शेड नंबर मुझे याद नहीं है, शेड नंबर मुझे याद नहीं है, तो मैं देख लेती हूँ पहले शेड नंबर बताती हूँ मैं भी आपको। पता नहीं शेड नंबर इसका नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी मैं लैक्मे की बहुत ही पिंक कलर, हल्का सा पिंक कलर लगा लूँगी। बहुत ही कम लगाया मैंने, माइल्ड सा वो दिख रहा है इसमें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें, लेकिन मैंने बहुत ही कम लगाया है। और अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप हटा भी सकते हो, निकाल दीजिए आप, और अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो। सिंपल लुक है, और बस सिर्फ इतना ही करना होता है, और आपको डे में हमेशा इतना ही मेकअप करना चाहिए। ये ऑफिस कॉलेज के लिए बहुत अच्छा मेकअप है, और आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप घर में नहीं कर सकते हो इस तरह के मेकअप, आप घर में कर लीजिए। और बस इस तरह से बाल रखिए, बस दैट्स इट, और इतना ही काफ़ी है। तो आपको ये मेरा लुक कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने किस तरह से ये मेकअप क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक सा है। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
प्लीज़ लाइक करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ यही बात, मैं रोज़ रोज़ नहीं बोल सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना, बस आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपने वीडियो देखा आप लाइक कर दीजिए। और अगर जो लोग नए आए हैं मेरे वीडियोज नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का जो बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा वो, उसके बाद ही बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए। बेल आइकन को हिट करेंगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा ये स्वेट प्रूफ मेकअप लुक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं सिंपल से ही वेब में मतलब अच्छा भी लगे और ज़्यादा हाई फाई भी ना हो, ज़्यादा अच्छा मतलब चमकी चमकी सा ना हो, क्योंकि डे लुक है तो इतना ही काफ़ी है, कॉलेज में और ऑफिस में इतना चलता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप NYY का ये कॉम्पैक्ट पाउडर आप लेकर जा सकते हो, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें SPF 50 भी है, तो ये बेस्ट है आपके लिए। नहीं तो आप मेबलिन का सुपर फ्रेश वो वाला भी लेके जा सकते हो, बट अगर ज़्यादा SPF वाला चाहिए तो आपको ये काफ़ी बहुत ही अच्छा होगा। तो क्योंकि देखिए समर चल रहा है और स्वेटिंग तो होनी है, कितना भी कुछ कर लीजिए आप स्वेट प्रूफ मेकअप भी कर लेंगे तो भी स्वेटिंग होगी। और आप इस पर स्प्रे करना चाहते हो तो आप मेकअप स्प्रे भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलती हूँ मैं, फिर मिलूँगी आपसे, बाय।